अपने बिस्तर पर छिड़क दीजिए बेकिंग सोडा और फिर देखिए कि क्या होता है। हम सभी के किचन में एक ऐसा सामान मौजूद होता है जो हमारे बाल, त्वचा और शरीर तीनों के लिए फायदेमंद होता है। ये ठोस क्रिस्टल की तरह होता है, लेकिन बाद में इसे पीसकर पाउडर बना दिया जाता है। इसके अल्कलाइन सब्सटेंस में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। खूबसूरती में चार चांद लगाने के साथ ही ये एक खास दवा भी है। हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आस्तिक हेल्थ केयर की दुनिया में। आज हम एक घरेलू लेकिन रामबाण और अचूक इलाज को लेकर आए हैं, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे पनपते हैं बिस्तर में बैक्टीरिया। एक आम इंसान रोजाना कम से कम 8 घंटे तो बिस्तर में जरूर सोता है। यह हमारे पूरे दिन का 1/3 समय है। इतना समय आप अन्य किसी दूसरी जगह पर पूरे एक दिन में नहीं बिताते। ऐसे में आपके शरीर से बिस्तर के चादर या गद्दे में बैक्टीरिया का पनपना लाजमी ही है। दरअसल हमारे शरीर से फंगी, बैक्टीरिया, मरे हुए छोटे छोटे जीव, धूल, पसीना, पेशाब के अंश, स्किन सेल्स, लार, खाने पीने की चीजों के महीन टुकड़े बिस्तर में बिछे चादर या गद्दे के रेशे में चिपक जाते हैं और कीटाणु के पनपने का कारण बनते हैं। स्टडीज बताती हैं कि एक आम इंसान अपने एक साल में करीब 99 लीटर पसीना बिस्तर में छोड़ता है। ऐसे में आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ये ज्यादा भी हो सकता है। इतना पसीना बैक्टीरिया पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा है। इन सब के अलावा हमारी बेडशीट में भी ऐसा बहुत कुछ होता है जो कीटाणुओं और बैक्टीरियाओं के पनपने के लिए अनुकूल माहौल पैदा करता है। इस कारण से महीने में कई बार चादर को धोने और गद्दे को धूप में सुखाने की सलाह या वार्निंग दी जाती है। कई बार आपकी मानसूनी बीमारी जैसे सर्दी खांसी भी कई सारे बैक्टीरिया बिस्तर में छोड़ देती है। पैरों की गंदगी कई सारे जर्म्स बिस्तर में पैदा करती है। अभी तक बताए गए कारणों से आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे बिस्तर में कितने तरीके से जर्म्स पैदा हो सकते हैं। इस कारण हर हफ्ते चादर धोने और हर महीने गद्दे को धूप में सुखाने की एडवाइस दी जाती है। लेकिन शहर में रोजाना ऑफिस जाने और अकेले रहने के कारण लोगों को धूप में चादर धोने और धूप में गद्दा सुखाने का समय नहीं मिल पाता, जिससे बिस्तर में कीटाणु पैदा होने लगते हैं जो कई सारी बीमारियों को पैदा करता है। इस कारण भी शहर में लोग अधिक बीमार पड़ते हैं। आइए अब इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा। आपको चादर धोने और गद्दा सुखाने का समय नहीं मिल पा रहा है तो बेकिंग सोडा और वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें। सबसे पहले आप अपने बिस्तर या गद्दे को वैक्यूम क्लीनर से साफ करें, फिर उसके ऊपर हल्का सा बेकिंग सोडा छिड़क दें कुछ घंटे। हो सके तो 6 से 7 घंटे वो बेकिंग सोडा आपके मैट्रेस या बिस्तर में छिड़का हुआ रहने दें। बेकिंग सोडा से बिस्तर के कीटाणु मर जाएंगे और वैक्यूम क्लीनर से बेकिंग सोडा और बाकी गंदगी साफ हो जाएगी। बेकिंग सोडा बहुत तेजी से कीटाणुओं को मारता है और क्योंकि वह पाउडर जैसा होता है तो यह छोटी से छोटी जगह के बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। यह एक बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है गद्दों और तकिए के जानलेवा बैक्टीरिया से बचने का। और आप खुद सोचिए, इससे आसान तरीका आपने कभी सुना है? अगर आपके घर में वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा छिड़कें और किसी कपड़े या लकड़ी के डंडे से झाड़ कर साफ कर लें, और यह बहुत सस्ता इलाज भी है। अपने बेड को बैक्टीरिया फ्री करें इससे पहले कि वो आपके बच्चे और आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाए। आप हेल्थ से जुड़े हुए किसी और टॉपिक पे भी वीडियो देखना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट या टॉपिक का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम उस पे वीडियो बनाएंगे और आपसे जल्दी ही शेयर करेंगे। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करके इसके बाद जो बेल आइकन आए उसे दबा दें। हमने इस वीडियो का टारगेट 10,000 लाइक्स रखा है, तो देर किस बात की, दबा दीजिए लाइक का बटन। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए इस समय दिखाए जा रहे नंबर पर अभी मिस कॉल करें, और हमारे ऐसे ही हेल्दी वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।